हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। समझो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसको देखने के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना चाहिए। तो कैसे? देखो, ये जो पेपर है ना, ये पॉइंट कहाँ पर है, इस पेपर में है, जो पेपर का कहाँ पर है, इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा पेपर का लेफ्ट एज से इतने दूर का है, और देखो ये इधर नीचे से इतने दूर का है। मैंने मान लिया ये समझो 5 सेमी, ठीक। और ये देखो फ्रंट एज से 10 सेमी, इसको मान लिया 15 सेमी, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, पेपर के कहाँ पर है, 5 सेमी फ्रॉम लेफ्ट एंड 15 सेमी फ्रॉम द फ्रंट एज, ठीक है। इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम जो जब करेंगे एक्सिस एक्स काम करेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक ए एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ए एक एक्सिस होता है, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में जहाँ पर कट किया, मिट किया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। ये दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में हम कोई भी पॉइंट का पोजिशन निकालेंगे, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव होगा, इस साइड में जो है ना पॉजिटिव वाला है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है एक्सिस का, ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर जो वाई एक्सिस है ना, ऊपर वाला को हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है।